वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से, और साथ में यहाँ पर बेल के बटन भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज हम आपके लाए हैं 3 GB रैम का कंपटीशन, मतलब यह है मोटो G5 और यह है सैमसंग J7 प्राइम। आज हम करने वाले हैं इन दोनों में स्पीड कंपेरिजन, हम देखने वाले हैं कौन सा फोन जो है विनर रहता है, या फिर सैमसंग अच्छा है या फिर मोटो अच्छा है स्पीड कंपेरिजन में। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर दोनों ही फोन में जो है सेम 3 GB रैम यूज की गई है। और इसके अलावा हम बात करते हैं प्राइस रेंज जो अवेलेबिलिटी की, इसके अलावा हम चिपसेट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हार्डवेयर किसका जो है स्ट्रांग आपको देखने को मिलता है। ये वाला फोन है मोटो G5 प्लस जो कि अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। प्राइस रखा गया है 11,990 रुपए। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ आपको ये अमेजन की साइट पर को फोन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 430, रैम आपको मिलती है 3 GB, स्टोरेज मिलता है 16 GB, सीपीयू आपको मिलता है ऑक्टा कोर। और ये वाला फोन है सैमसंग J7 प्राइम, प्राइस की बात करते हैं तो आपको मिलेगा 15,990 रुपए 16 GB वाला वेरियंट और 16,990 रुपए 32 GB वाला वेरियंट। इसके अंदर हम बात करते हैं चिपसेट की, तो आपको मिलता है हेक्सिनोस 7870, रैम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 GB रैम मिलती है। तो इन दोनों ही फोन में हमें जो है 3 GB रैम देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको बता दूं, हम करेंगे यहाँ पर दो तरीके से स्पीड टेस्ट। पहले हम करेंगे दोनों ही फोन की एक साथ एप्लीकेशन ओपन, दूसरा हम करेंगे टाइमर काउंट और हम देखेंगे कौन सा फोन जो है विनर रहता है स्पीड में। तो यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर 10 एप्लीकेशन है, हम पहले करेंगे एक साथ एप्लीकेशन ओपन, उसके बाद हम टाइमर काउंट करके। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो फोन है दोनों ही Jio Fi 3 से कनेक्ट है, मतलब स्पीड में कोई डिफरेंस हमें जो देखने को नहीं मिलने वाला है। और इसके अलावा हम रिसेंट एप्लीकेशन में कोई एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलने वाली है, मतलब हम मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया है। और अब हम करेंगे यहाँ पर स्पीड कंपेरिजन, मतलब यहाँ पर फ्री है दोनों ही फोन की रैम। और अब करते हैं हम दोनों ही फोन को एक साथ एप्लीकेशन ओपन, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा फोन जो है विनर रहता है। तो लगभग यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ने ही सेम लगभग एप्लीकेशन ओपन की है। सैमसंग J7 प्राइम ने 5-6 एप्लीकेशन ओपन की थी और मोटो G5 ने भी यहाँ पे 4 या 5 एप्लीकेशन जो है ओपन की थी। तो यहाँ पर लगभग दोनों का स्पीड जो है सेम रहता है। और अब हम करते हैं टाइमर से काउंट और हम देखते हैं कि दोनों में कितने मिनट या फिर कितने सेकेंड का जो है डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। तो हम करते हैं यहाँ पर स्पीड काउंट टाइमर से और हम देखते हैं कि कौन सा फोन जो है उस वाले में विनर रहता है।
तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ही फोन की जो है स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का हमें जो है डिफरेंस देखने को मिला है। और हमने पहले वाले प्रोसेसर में हमें एक एप्लीकेशन का या 2 एप्लीकेशन का जो है डिफरेंस देखने को मिला था। तो आज के वीडियो में इतना ही था स्पीड कंपैरिजन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट कीजिएगा अगर कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही मिलता है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।